आज हमने सोचा आपको सारियास के बैजेस को ज़रा पास से दिखाते हैं। ये सारे बैजेस मेटल में 3D बने हुए हैं। 3D क्या होता है, ये जो आप क्रेसेंट और स्टार देख रहे हैं ये रेज्ड है, और जैसे ये देखें मारखोर काबुल, कायदे आदम का जो बैज है, हमारा सबसे ज़्यादा फेमस बैज है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली। ये पहला स्कल्पचर लेपल पेन है। स्कल्पचर वैसे तो बड़े बनते हैं, लेकिन ये वेरेबल लेपल पेन के साइज़ का स्कल्पचर किसी ने नहीं बनाया, और वो भी 3D। अजीम परचम को आप देखें, इसका क्रेसेंट और स्टार कैसे रेज्ड है, और ये 5 mm थिक ब्रास का कॉइन है। ये भी फ्लैग पिन दुनिया में किसी ने इस स्पेसिफिकेशन में नहीं बनाई। ये अलअक्सा मस्जिद अलअक्सा का बैज है, जिसके ऊपर क्रेसेंट और डोम ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और ये भी 3D मेटल है। ये हमारा सबसे जो मुझे बैज अच्छा लगता है वो ये बैज है शेरदिल। ये 27 फेब को जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन प्लेन्स गिराए थे, ये उसके मेमोरी में हमने ये बनाया हुआ है। इसमें आप पायलट का हेलमेट देख सकते हैं, और ये सारा का सारा एक फॉर्मेशन में है, ये कोई वेल्ड नहीं हुआ हुआ, ये एक ही फॉर्मेशन के अंदर 3D रेज्ड है। ये ज़रार फ्लैग लेपल पेन, अगेन M4 SSG की जो असॉल्ट राइफल है उसके अंदर। ये हमारा हैदर बैज है, इसमें हमारा जो क्रेसेंट है वो सबसे ज़्यादा जो रेज्ड क्रेसेंट हमने बनाया है वो इस बैज में बनाया है, और पीछे आपको 2 ज़ुल्फ़िकार तलवारें नज़र आ रही हैं। अगेन ये किसी ग्लू से नहीं जुड़ी हुई, 3D रेज्ड है, और ये बैज इसकी अगर आप डेप्थ देखें तो 7 mm थिक मेटल बैज है। ये हमारा गाजी ऐबक बैज है, ये वतन सलामत, ये भी 3D रेज ब्रास बैज है, और ये तो सब आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा ओरिजिनल मारखोर मैट गोल्डन डे वॉचर बैज है। तो आज मैंने ये सोचा कि आपको इनको ज़रा पास से दिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर्स में शायद इनकी स्पेसिफिकेशन उस तरीके से पता नहीं चलती, और काफ़ी लोग हमसे ये कहते थे कि इनकी वीडियोस हम आपको बता के दिखाएं।